चलिए एलोस्ट्रेंड से स्टार्ट करते हुए, देखो अब एक टॉपिक है इलेवेंथ का, आपका इलेवेंथ से रिलेटेड एक टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को जानने के लिए पहले हम लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है बस। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा वीडियो लेकर आप इसको बहुत ही बढ़िया से सीखिए, मन से सीखिए। और ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ा जा रहे हैं कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन, एक वर्ड है कॉन्स्टेंट इक्वेशन। अब ये होता क्या है ये समझो, ठीक है बस। कॉन्स्टेंट इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट इक्वेशंस मतलब कोई ऑब्जेक्ट्स या सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक मैंने कुछ दो ऑब्जेक्ट या दो ज्यादा सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है बात। वो आपस में कनेक्टेड है आइदर बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग और डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस, डायरेक्ट कनेक्शंस। तो उन मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन हो सकता है, इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने वाला या रिलेशन को जो शो करेगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाला जो इक्वेशन आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट इक्वेशंस। और यह कॉन्स्टेंट इक्वेशन मतलब कि वेरिएबल मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में रिलेशन में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है बस, क्या मैथमेटिकल रिलेशन आ सकता है, उसी इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं कॉन्स्टेंट इक्वेशंस। ठीक बस देखो, जैसे दो तरह का कॉन्स्टेंट हो सकता है, एक हो गया आपका स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स और एक हो गया आपका वेज कॉन्स्टेंट्स। अठी बात, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट मतलब क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट धागा से बंधा हुआ है, टाइट धागा से, पूरा टाइट, लूज में काम नहीं करेगा, टाइट धागा से बंधा हुआ है। अठी बात, तो ऑब्जेक्ट जो दोनों ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में, अठी बात दोनों ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में क्या रिलेशन हो सकता है, इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स में, ठीक है बस। नेक्स्ट क्लास में आपको वेज कॉन्स्टेंट दिखाएंगे, आज हम लोग क्या स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बस। तो आइए स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को दिखाते हुए चले। अब तुम सोचो, अगर सिंपल सा एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स है, कहीं पर दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अठी बात ऐसा जमीन पर रखा हुआ है, ये एक रस्सी से बांधा हुआ है, बिल्कुल टाइट है, लूज नहीं है, स्लैक नहीं है, टाइट किया हुआ है। अब अगर तुम सोचो, अगर ये वाला 2 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, कॉमन सेंस लगाओ, महसूस करो, तो बताओ ये कितना चलेगा, स्वाभाविक 2 मीटर पर सेकेंड से। अगर ये वाला दो तो ये वाला धागा दो, ये वाला पॉइंट भी दो, ये वाला पॉइंट भी दो, ये वाला पॉइंट भी दो, ये ऑब्जेक्ट भी 2 मीटर पर सेकेंड से, यही ना बात हो सकता है। अरे बस एक ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हारे पास अगर करेक्ट है तो सेम से चल पाएगा, क्या यहां तक बात ठीक है, अक्सर अगर सेम स्ट्रेट लाइन हो इस प्रकार तो। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट, अभी बस मान लो यही एक धागा है, एक धागा तुम्हारे पास ऐसे लेगा तो ये धागा ऐसे चल रहा है, ये धागा इधर लेगा तो ऐसे चला। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा संभव है कि देखो, अगर ये वाला एक स्थिर रखे और ये घुमा दिए, ये वाला स्थिर रखे और ये वाला घुमा रहे हैं, तब तुम्हारे पास क्या होगा, ये वाला स्थिर रखे और ये वाला घुमा दिए, तो तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास क्या है कि अलग अलग वेलोसिटी होगी, अलग अलग वेलोसिटी होती है, मतलब कंसेप्ट गलत है, नहीं कंसेप्ट गलत नहीं है। होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग एंड अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, मूव कर रहा है, जैसे मान लो ये वाला आपका V1 और ये हो गया V2, अभी बस V1 और V2, तो क्या होता है, धागा टाइट रहे इसके लिए जरूरी है कि ये स्ट्रिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो मस्ट बी सेम, स्ट्रिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो मस्ट बी सेम। जैसे ये V1 है, मान लेते ये θ1 बना रहा था, ये θ2 बना रहा था, तो इस कंपोनेंट्स यानी क्या हो जाएगा, V1 cos θ1 और इधर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, V2 cos θ2। सो स्ट्रिंग को टाइट होने के लिए जरूरी है कि V1 cos θ1 बराबर V2 cos θ2, और ये आपका पहला कंसेप्ट, ये आपका पहला कंसेप्ट। इसी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन को भी कह सकता है कि A1 cos θ1 बराबर A2 cos θ2। मतलब अगर कोई धागा टाइट है तो उस धागा से जुटे हुए हर एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग के दिशा में वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हमेशा सेम होगा। क्या बोले, फिर समझ लो क्या बोल रहे हैं आपको, कि अगर कोई धागा टाइट है तो उस धागा से जुटे हुए हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट स्ट्रिंग के दिशा में कंपोनेंट ये हमेशा कांस्टेंट होगा, स्ट्रिंग के दिशा में कंपोनेंट ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये इसका बहुत ही पावरफुल रूल। अगली बात, स्ट्रिंग के दिशा में कंपोनेंट कांस्टेंट होगा। अब देखो, जैसे अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन से इस प्रकार का देखो, जैसे ये एक वेलोसिटी, समझो ये एक स्ट्रिंग इस प्रकार से जुटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक पुली है,
और ये फिक्स पुली और ये एक ऑब्जेक्ट जमीन पर कनेक्ट है, एडिवस कनेक्ट है, क्या यहां तक ठीक है? अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं एडिवस ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से चला, 2 मीटर पर सेकंड से चला, तो इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा? सोच के देखो एडिवस, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, बता क्या होना चाहिए? क्या ये जैसे धागा ऐसे चल रहा है, ये धागा इधर चल रहा है, तो क्या ये और ऑब्जेक्ट इसे जा रहा है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार नहीं जा रहा है, वास्तव में ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेलोसिटी कितना है? भी इसका 2 मीटर पर सेकंड। ठीक बात, मान लेते हैं कि इस अभी के मोमेंट पर ये एंगल 30 डिग्री है, तो बताओ इस भी का मान क्या होगा, इस भी का मान क्या होगा? ठीक बात, भी का मान क्या होगा? तो अभी हम लोग पहला कंसेप्ट के रूप में डिस्कस किए कि अगर कोई रस्सी टाइट है तो टाइट रस्सी के हर एक एंड पर वेलोसिटी के, माने रस्सी के दिशा में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा दैट शुड बी कांस्टेंट। ये बता, ये वाला जो वेलोसिटी है 2, यहां पर जो रस्सी की दिशा है वो वेलोसिटी की दिशा में 2 का 2 है, यहां पर एक्चुअल वेलोसिटी v, जबकि रस्सी की दिशा में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो v cos 30। तो क्वेश्चन के मुताबिक क्या होगा, कांसेप्ट के मुताबिक v cos 30 बराबर 2, v cos 30 बराबर 2। और अब आप इससे डिस्कस कर सकते हैं कि यहां पर भी का मान कितना होगा। एकदम दिमाग में बड़ा क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन, वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ या अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम फॉर एवरी पॉइंट इज एक्सेलरेशन भी वही बात। एक कॉन्सेप्ट को आप यूज कर लीजिएगा, बहुत ही पावर चीज है, इजी कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार का, इस प्रकार का एक क्वेश्चन को ध्यान दो। जैसे एक स्ट्रिंग पुली है, बताओ क्या होना चाहिए? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, अरे बस ये एक ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार का दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक बस, ये वाला अगर 5 मीटर पर सेकंड के रेट से मूव कर रहा है तो बताइए इसका वेलोसिटी क्या होगा। अरे बस इसका वेलोसिटी क्या होगा, एकदम जरूर ध्यान दो, इसका वेलोसिटी क्या होगा? आप कंसेप्ट को यूज कीजिए कि अगर कोई टाइट रस्सी से जुटा हुआ है तो रस्सी के हर एक छोर पर, हर एक पॉइंट पर, छोर क्या कहो, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी इसके दिशा में, अड़िगा स्ट्रिंग के दिशा में वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का मान हमेशा कांस्टेंट, एक्चुअल जो भी रहे लेकिन उसके दिशा में कांस्टेंट। ठीक बस, देखो एक्चुअल ये है लेकिन हमको इस दिशा में कांस्टेंट, ध्यान दो, ये इसका 5 मीटर पर सेकंड है, ये आपका 60, तो ये वाला 60, तो यह क्या हो जाएगा, दिस इज 5 cos 60 डिग्री, 5 cos 60। और इसको देखो एक्चुअल वेलोसिटी मान लो भी, इधर तेरे पास क्या हो जाएगा, तो दिस इज v cos 30 डिग्री। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग की दिशा में जो वेलोसिटी है वो सेम, यानी कि v cos 30 डिग्री बराबर 5 cos 60 डिग्री। क्या आप इससे v का मान निकाल सकते हैं? बोलो, पहला बात समझ रहा, दिमाग में पहला कंसेप्ट बैठना चाहिए कि अगर कोई रस्सी, रस्सी से दो ऑब्जेक्ट जुटा हुआ है, अड़ेगा अलग अलग पॉइंट अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है या अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो रस्सी के दिशा में एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो हर एक पॉइंट पर सेम होना चाहिए। अड़ेगा हर एक पॉइंट पर सेम होना चाहिए। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि मान लो ये एक फ्रिक्शनलेस रॉड है, इस पर एक छल्ला लगा हुआ है, ठीक बस एक रिंग फंसा हुआ है, ठीक है, यहां पर से एक फिक्स पुली है, अड़ेगा ये आपका फिक्स पुली है, मान लो ऐसा ये फिक्स पुली है, यहां से एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, अड़े बस ये एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, अगर इसका एक्सेलरेशन a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, अड़े बस तो बताइए इस छल्ला का इस दिशा में, इस दिशा में जा सकता है, नीचे तो जा नहीं सकते हैं, इस दिशा में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जबकि ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। बोलो आपसे बनेगा बात, ठीक है, आप कलम उठाओ और बनाने के लिए छोटा सा कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब छोटा सा कंसेप्ट कि अगर रस्सी का एक टाइट रस्सी के हिसाब से दो के छोर से अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट जुटा हुआ है, अलग अलग वेलोसिटी या अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो वेलोसिटी के दिशा में, सॉरी स्ट्रिंग के दिशा में वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होगा वो मस्ट बी सेम, वो मस्ट बी सेम। और इस बात का फायदा लीजिए, तुरंत आपका रिजल्ट बन सकता है। आइए देखिए, देखो तुम्हारे पास क्या है,
ये आपका रिजल्ट देखो, ये एक्चुअल ए, तो इस दिशा में कितना हो जाएगा, ए कॉस 30 डिग्री, और ये तो आपका इसी दिशा में स्ट्रिंग की दिशा में एक्सेलरेशन है ही 2। सो क्या होना चाहिए, दिस इज ए डैश, ए डैश कॉस 30 डिग्री बराबर दिस इज 2, और इससे आप ए डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम का ये पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका ये। बस आगे बढ़ते हुए ठीक है, देखो पहला कॉन्सेप्ट आपको ये हम ध्यान में बैठा लेना दिमाग में, दूसरा कॉन्सेप्ट में आओ। अरे बस अगर मान लो एक पुली है, पुली स्थिर नहीं है, पुली ऊपर बढ़ रहा है ठीक है, और उसके साथ दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट है, अगर दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट है, अरे बस एक का वेलोसिटी वी है, एक का वेलोसिटी वी बी, और ये वेलोसिटी ऑफ पुली, तो वेलोसिटी ऑफ पुली का जो मान होता है वो वी ए प्लस वी बी बाई 2 के बराबर हो सकता है। ठीक बस 11 में आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो यह ध्यान नहीं, वेलोसिटी ऑफ पुली का जो मान होगा वो वी ए प्लस वी बी के बराबर बाई 2 के बराबर होगा। इसको ध्यान रखना, ये तब जब पुली मूव कर रहा है, स्थिर रहेगा तो ये नहीं काम रहा है। और ठीक बस जब पुली मूव कर रहा है तो आप इस तरह का रिजल्ट ले सकते हैं कि वी ए प्लस वी बी बाई 2 हो जाए। बस ध्यान रखिएगा, इस पर भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सेलरेशन में भी वही बात, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाई 2, और अब आप इसका फायदा ले लीजिएगा। ठीक है बस आइए इसके बाद, अभी हम क्वेश्चन नहीं बना रहे, तो मैं कांस्टेंट इक्वेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कांस्टेंट इक्वेशन किस प्रकार का। फिर आइए अड़ेगा, अगर मान लो कभी होता ना पुली में दो पुली, तीन पुली, चार पुली, कुछ मूवेबल पुली कुछ नहीं है, तो उसके एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। जैसे ये देखो, हम सिंपल से बात करते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रकार है। अड़ेगा सिंपल हम पहला क्वेश्चन से उठाते हैं, ये आपका ए वन और ये हो गया ए टू, दिस इज ए वन और ये हो गया ए टू, पता ए वन और ए टू में क्या रिलेशन है, ए वन और ए टू में क्या रिलेशन है। अड़ी बस ए वन और ए टू में क्या रिलेशन है, तो मैं आप डायरेक्शन किधर मानना चाहो मर्जी अपना, जैसे मान लो सिंपल दो ऑब्जेक्ट, एक छोटा एक हल्का एक भारी है, तो स्फीयर के भारी वाला ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तुम एक्चुअली मान सकता है, नहीं भी एक्चुअल मानना है तो जो डायरेक्शन मानना है मान लो, जो डायरेक्शन मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अड़ी बस वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब तुम्हारे पास क्या है, अब तुम्हारे पास इस एक्सेलरेशन में आपका मान लो हमको रिलेशन चाहिए, तो हम जान रहे हैं कि ए वन और ए टू बराबर रहेगा, चूंकि ऊपर नीचे दो ऑब्जेक्ट होते हैं, नीचे एक ऊपर जाएगा, लेकिन हम केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए वन ए टू निकालने के लिए बहुत सारा मेथड हो सकता है। अरे बस तुम्हारे पास एक हम लोग जो पहले में हम भी यूज करा रहे थे कि स्ट्रिंग का लेंथ कॉन्स्टेंट, देखो यहां पर क्या होता है, ये रेफरेंस लाइन मान लो, ध्यान समझना, ये रेफरेंस लाइन मान लो, ये आपका एक्स डिस्टेंस एक्स वन, ये डिस्टेंस एक्स टू, ठीक है। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड तुम्हारे पास क्या है कि एक रेफरेंस पॉइंट निकाल लो, एक रेफरेंस पॉइंट निकाल लो, वहां से जितना मूविंग पॉइंट्स है, मूविंग पुली है, मूविंग पॉइंट्स है, उसका डिस्टेंस वेरिएबल के रूप में मान लो, ये एक्स वन और ये एक्स टू। सो क्या होगा, एक रस्सी का लेंथ हमेशा कॉन्स्टेंट, ये वाला लेंथ को नेग्लिजिबल, एक्स वन प्लस एक्स टू क्या हो गया कॉन्स्टेंट, एक ही रस्सी से हो गया ना, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, वी वन प्लस वी टू इज कॉन्स्टेंट और ए वन प्लस ए टू इज कॉन्स्टेंट, दूसरा डिफरेंशिएशन किया तो ये लेसन हो गया, अरे कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, सॉरी, तो ये एक लेसन इससे निकाल के तैयार हो गया। अरे बस अगला एक मेथड है वर्चुअल वर्क मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड इसी का देखो, इसी से वर्चुअल वर्क मेथड। अरे बस दूसरा मेथड में क्या है, वर्चुअल वर्क मेथड्स, इसमें तेरे पास क्या है, ऐसा जुटा हुआ है, अड़े का स्वाभिक है रस्सी में टेंशन टी, इसमें टेंशन टी, इसमें एक्सेलरेशन ए वन और ये हो गया ए टू। अड़े बस वर्चुअल वर्क मेथड में क्या होता है, वर्चुअल वर्क मेथड इसको कह रहे हैं टी गुना फोर्स, ठीक बस ए वन, देखो टी गुना ए वन वर्चुअल वर्क मैंने वर्क के द्वारा निकाला हुआ है, समेशन ऑफ टी वन ए वन, टी और ए का जो सम होगा दैट शुड बी कॉन्स्टेंट। अड़ेगा इंटरनल फोर्स के लिए, इंटरनल फोर्स के लिए, केवल इंटरनल फोर्स के लिए बात कर रहे हैं, माने सिस्टम के आंतरिक फोर्स का, माने ग्रेविटी को भी इंटरनल फोर्स नहीं मान रहे हैं, तो इंटरनल फोर्स का जो वर्क का सम जो होता है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। जैसे यहां पर देखो, ये आपका टी ए वन प्लस टी ए टू बराबर जीरो, अगर टी कॉमन निकाल के हटा दें तो ए वन प्लस ए टू बराबर जीरो, जिससे ए वन और ए टू में रिलेशन ए वन प्लस ए टू बराबर जीरो आ गया। ठीक है, ए वन और ए टू हम हमेशा ऊपर मान रहे हैं, तुम नीचे मानो तो बराबर करके माइनस आना आएगा, लास्ट में जब फ्री पॉलीनोम बनाएंगे तो उसी क्वेश्चन बनेगा,
लेकिन ये आपका रिलेशन निकालने का तरीका है। ये नीचे ले गए A1 प्लस A2 बराबर 0। आपको जो अच्छा लगता है दोनों में से यूज कर सकते हैं। अरे बात दोनों मेथड अपने जगह पर अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। फिर से देखो, अब आप जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास क्या दिया है, एक फिक्स बोलिंग है, ठीक है। इस प्रकार से दो ऑब्जेक्ट्स है, ये दो ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ, मान लो ए और ये हो गया बी और सी। आप कहा जाए इनके बीच में रिलेशन निकाल दीजिए, इनके बीच में रिलेशन निकाल दीजिए। हम आपको दोनों मेथड दिखा रहे हैं, आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगे यूज कर लीजिए, ठीक है। पहला मेथड में देखो, इसमें तुम्हारे पास क्या है, ये रेफरेंस लाइन मान ली, ये आप रेफरेंस लाइन मान ली, ये वेरिएबल x1, ये वेरिएबल x2, ये वेरिएबल x3, x1 x2 x3 देखो, और ये पूरी जो मूव कर रहा है वो आपका x4। अब देखो पहला रस्सी, एक रस्सी का लंबाई x1, ये ऊपर नेगलेक्ट x1 प्लस x4, सो क्या आया x1 प्लस x4 इज कांस्टेंट, पहला रस्सी, ठीक है। दूसरा रस्सी यहां देखो, ये वाला छोटा सा है, ये यहां तक है आपका x2, पूरा रेफरेंस पॉइंट से ना पे, ये वाला x4 था, ये कितना बचा x2 माइनस x4, ये दूसरा रस्सी प्लस ये वाला रस्सी देखो इतना लंबा, ये पूरा लंबाई था x3, ये x4, ये कितना बचा x3 माइनस x4 इज कॉन्स्टेंट। अरे बस, तो अब यहां पर आइए, जैसे x2 प्लस x3 और -2x4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स, अरे बस कॉन्स्टेंट्स। अब इस तरह के रिलेशन यूज कीजिए, हम रिलेशन को आप लिखते चले गए, जैसे x1 प्लस x2 नाउ x4, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए और इसको डिफरेंशिएट किया जाए, इसको डिफरेंशिएट करने पर दो बार डिफरेंशिएट करो, a2 प्लस a3 माइनस 2a4 इज इक्वल टू 0, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a1 प्लस a4 इज इक्वल टू 0। अब इन दो रिलेशन से a4 और a4 के लिमिट के a4 का वैल्यू बढ़ाओ तो क्या आ जाएगा, a2 प्लस a3 प्लस 2a1 इज इक्वल टू 0, a2 प्लस a3 प्लस 2a1 इज इक्वल टू 0। देखो ये एक रिलेशन आ गया, a1 इसका माने थे, ये a2 था और इसका a3। अब इसी को सेकंड मेथड से देखो, इसी को आप सेकंड मेथड जानो सभी। देखो एग्जामिनेशन में क्या ट्रिक यूज करना है ये तुम अपना डिसीजन ले सकते हो, लेकिन जानने के समय सभी जानो, ये आपका A1, ये A2 और ये A3। तो ध्यान से देखो, ये आपका T, ये आपका T, अगर ये T और T चूंकि मासलेस पूली है तो 2T, ये हो गया 2T, याद है ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन A1 ऊपर ही मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2t गुना A1, ध्यान देना 2t डॉट 2t की दिशा भी ऊपर, A की दिशा भी ऊपर, 2 की t की दिशा ऊपर, इतना 2t A1 प्लस प्लस, ये देखो ये आप A2 माने तो t A2 प्लस ये A3 का इसको माने प्लस t A3 इज इक्वल टू 0। सो t कॉमन क्या बचेगा, 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। सो ये आप आराम से रेसे निकाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, जानना दोनों चाहिए। अड़ी बस, कोई भी मेथड परफेक्ट एक नहीं हो सकता, कोई भी मेथड पूरी तरह से एक्सेप्ट होगा दूसरा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको दोनों मेथड को जरूर जानिए, ठीक बस। अगर आपको ये इजी लगता है ना बना दीजिए, लेकिन जानिए दोनों। अड़ी बस, अब जरा देखो तो ये वाला तुमसे निकाल सकता है, तो इस तरह का एक ऑब्जेक्ट रिलेशन निकालने का कोशिश करो, ठीक है। लीजिए जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, तो बैठे नहीं रहना, बनाओ कॉपी उठाओ और ये इसको बनाओ, ठीक है। ये इसको उठाओ और इस तरह का क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश की, ठीक है। लीजिए जी, अब इस तरह का तीन ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए, दिस इज बी और ये सी। इसके एक्सेलेरेशन को हम A1 बोल रहे हैं, इसके एक्सेलेरेशन को A2 बोल रहे हैं, इसके एक्सेलेरेशन को A3 बोल रहे हैं, ठीक है। निकालो, जिस मेथड से आपको निकालना है तो रिलेशन निकालिए, A1 A2 A3 में क्या रिलेशन हो सकता है, इस क्वेश्चन में A1 A2 A3 में क्या रिलेशन, डायरेक्शन यही माने ना जो हम माने, जो मेथड अच्छा लगता है, ठीक है। वर्चुअल मेथड भी अच्छा है और तुम्हारे पास कॉन्स्टेंट इक्वेशंस मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, उसका मेथड अच्छा है। चले इसको उठाते हैं, देखो ये वाला लेंथ स्ट्रिंग का टेंशन टी, एक ही है टेंशन टी, अटेगा ये वाला टेंशन टी और ये वाला भी तुम्हारे पास टेंशन टी,
अगर ये टी और टी तो ये वाला क्या हो गया टू टी, इसे जानते हैं ना। तो आप बताओ इस दिशा में टी वन गुना ए वन, टी गुना ए वन प्लस प्लस टी गुना ए टू प्लस प्लस, और तीसरा हो गया टू टी गुना ए थ्री, टू टी इंटू ए थ्री बराबर क्या हो गया जीरो। सो टी कॉमन लेकर हटा देना, सो क्या आ गया ए वन प्लस ए टू प्लस टू ए थ्री इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिलेशन, वर्चुअल मेथड है, टेस्ट मेथड है, ये वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद है यही अच्छा लगा होगा, यही छोटा भी है, बनाया जा सकता है आसानी से। ठीक है बस लीजिए इसको बना लीजिए। ठीक है अब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है तुम्हारे पास वर्चुअल वर्क मेथड से आप यूज किए हुए M1 और M2 भी कैलेशन होंगे। बम दो मिनट लीजिए और बैठ ही नहीं रहे, हम बनाइए भाई। दो ऑब्जेक्ट्स है M1 और M2, तो बताइए कि M1 और M2 के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा। जो मेथड आपको यूज करना है कर लीजिए। वर्चुअल मेथड ही बहुत अच्छा है। देखो मान लेते रस्सी का टेंशन T, तो यहाँ पर भी T, यहाँ भी T, और ये हो गया 2T, ये आपका A1 मान लेते हैं और ये आपका A2 मान लेते हैं। अरे बस तो क्या हो जाएगा, देखो 2T A2, 2T A2 plus T A1 is equal to क्या हो गया 0, T कॉमन लेकर डाल दे, so 2A2 plus A1 is equal to 0, 2A2 plus A1 is equal to 0, तो ये आपका कांस्टेंट इक्वेशन निकाल देता है। ठीक बस कॉन्स्टेंट इक्वेशन निकालने में मदद कर सकता है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कॉन्स्टेंट इक्वेशन तो कम से कम आप डिस्कस कर ही लीजिएगा, ठीक बस कॉन्स्टेंट इक्वेशन तो आप इसमें डिस्कस कर ही सकते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट्स है M1, M2 और M3, इनमें रिलेशन निकालना। ठीक है बस कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो फिर से वर्चुअल मेथड यूज कर लो, ये आपका T, ये आपका T, देखो एक ही रस्सी है, ये आपका T और ये हो गया T, ये हो गया आपका 2T, सो क्या हो सकता है वर्चुअल मेथड में इसका एक्सेलरेशन A1, तो T A1 plus 2T A3 प्लस टी ए टू इज इक्वल टू जीरो, टी कॉमन जिसे ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए टू बराबर जीरो, और जिससे आपका एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बता सकता है। तो ये कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन रिलेशन निकाल लो फिर देखेंगे। ये आपका पहला मास है M1, ये आपका M2 और ये M3, अब इनके बीच में रिलेशन निकाल दीजिए। ठीक बस इसके आप एक्सेस में रिलेशन निकाल दो, इसको आप A1 मान लो, इसको आप A2 मान लो, और ये आपका A3, इसको A3 मान लो। चलो रिलेशन निकालो, तो बैठे नहीं जाएगा, जस्ट रिलेशन निकालो M1 M2 M3 में क्या रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। M1 M2 M3 के
एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है वो आप निकालने का कोशिश करो। जो तैयार करो यहाँ पर क्या हो गया टी, ये हो गया टी, ये टी, ये टी, एक ही रस्सी है टी, अगर ये टी टी तो ये हो गया टू टी, ये टी टी और ये हो गया टू टी, बोलो है तो ठीक है टी टी और ऐसा। अब बताओ रिलेशन क्या रहेगा, तो वर्चुअल वर्ब में था टी वन गुना ए वन टी ए वन, इस पर टू टी और टू टी मिलाकर फोर टी, तो फोर टी ए थ्री, और ये वर्स क्या हो गया दिस इज टी, प्लस टी ए टू इज इक्वल टू जीरो, टी कॉमन लेकर डाल दो तो ए वन प्लस फोर ए थ्री और प्लस ए टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये रिलेशन निकालने में काम आता है, वर्चुअल वर्ग में था बहुत ही इजी पड़ता है, सावधानी से पड़ता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है थोड़ा सा बढ़िया सोचो इसको, अगर हल्का सा फील करो कि क्या हुआ क्या हुआ, तो तुम्हारे पास क्या है देखो सोचो, ये वाला पुली, ये वाला वस्तु ऊपर गया, ध्यान से देखो ये वाला ऑब्जेक्ट, मैंने थ्योरी ठीक है न्यूमेरिकल बना लिए क्वेश्चन बना लिए, लेकिन महसूस भी जरूर करो, सोचो ये वाला ब्लॉक को अगर थोड़ा सा ऊपर ले जाए, अगर ये वाला 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा, वो 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा, तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये वाला भी 2 सेंटीमीटर, ये वाला भी 2 सेंटीमीटर घसकेगा, ये वाला 2 सेंटीमीटर, ये वाला भी 2 सेंटीमीटर घसकेगा, ठीक बस। तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये वाला ऊपर जाएगा जिससे कि रस्सी जो एक्स्ट्रा भाग है वो इधर निकल जाएगा, इसी का भी एक्स्ट्रा भाग है थोड़ा नीचे जाएगा, ये ना हुआ होगा, ये वाला सोचो ये वाला हम ऊपर उठे, सब रस्सी को टाइट रहना है, ये वाला थोड़ा सा ऊपर उठा या नीचे ले जाते हैं, अगर हम इसको नीचे ले जाते हैं, ये वाला नीचे गया तो जितना भाग नीचे जाएगा उसका इधर भी जुड़ जाएगा डबल, अठीक बस वो वाला चीज डबल, और उसी के हिसाब से तुम्हारे पास क्या ये उसका डबल, तो ये वाला तुम्हारे पास 4 गुना ऊपर की ओर भागेगा, यही बात इसके साथ भी हुआ और वही अपना रिजल्ट का आ रहा है, बोलो ना तो ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सोचोगे तो समझ में आ सकता है। तो ये आपका पहला था पुली कांस्टेंट, मैंने ये स्ट्रिंग कांस्टेंट, बोलो आपको समझ में आया बस। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स में इस तरह का चीज आप देख सकते हैं। अब आपको जैसे आज का टॉपिक खत्म कर रहे हैं तो आपको 2 कंसेप्ट बता के भेज रहे हैं। पहला कंसेप्ट क्या था कि पूरी स्ट्रिंग के दिशा में एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट, स्ट्रिंग के दिशा में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो दिशा के डायरेक्शन में कांस्टेंट। दूसरा कि आप अगर एक साथ बहुत सारा पुली है, मूविंग पुली है, ठीक है, या दूसरा कंसेप्ट आता है कि अगर पुली ऊपर मूव कर रहा है या नीचे आ रहा है तो पुली के साथ जो 2 अटैच ऑब्जेक्ट होगा, पुली का वेलोसिटी कितना है या एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर वी ए प्लस वी बी बाई टू, या एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर वी ए ए प्लस ए बी बाई टू। और अगर इस तरह से बहुत सारा पुली है, 2-4 पुली है, 5 पुली है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, अठीक बस। तो ये इस रिलेशन आप इस तरीके से a1 प्लस 4 a3 प्लस a2, मतलब वर्चुअल वर्क मेथड का आप यूज कीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, थैंक यू।